दिन भर के प्रायोजक हैं होटल रॉयल रेजिडेंसी और फॉरेस्ट क्लब। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जघन्य अपराध करने वाले 11 अपराधियों को जल्द ही नेपाल पुलिस के सहयोग से भारत में कराया जाएगा प्रत्यावरण। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा महाशिवरात्रि के दृष्टिगत शिवालयों पर रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। डीआईजी रेंज ने दी जानकारी, कहा बिहार व नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों पर लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत रहेगी पैनी नजर। महाशिवरात्रि पर्व पर हजारों की संख्या में बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर पहुंच श्रद्धालु करेंगे महादेव की पूजा अर्चना। पुलिस अधीक्षक उत्तरी ने दी जानकारी, कहा पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर तैयारियां की जा रही मुकम्मल। डाक विभाग में बिकने वाले गंगाजल की बढ़ी डिमांड, खरीदे मात्र 30 रुपए में 250 ml की सीसी। जिला महिला चिकित्सालय के SIC ने दी जानकारी, कहा मरीजों की सहूलियत और सुविधा का रखा जा रहा विशेष ख्याल। गुलरिया पुलिस ने कूट रचित दस्तावेजों द्वारा धोखाधड़ी व छल से जमीन बैनामा कराने के आरोप में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा आसाराम जी बापू की रिहाई की गई मांग, सौंपा गया पत्रक। जिला महिला चिकित्सालय में बहुत जल्द CCAP मशीन के माध्यम से फेफड़े की समस्या से ग्रसित नवजात बच्चों का होगा इलाज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की दृष्टिगत गायत्री परिवार की महिलाओं ने सुख समृद्धि व शांति के लिए किया हवन यज्ञ। और सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर विशेष व्याख्यान का हुआ आयोजन। प्रदेश में अपराध करने वाले नेपाल की 11 अपराधियों को प्रत्यापन के जरिए भारत लाने की तैयारी की जा रही है। हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, दुष्कर्म व अपहरण के आरोपियों को नेपाल पुलिस से सामंजस्य स्थापित कर जल्द ही भारत ले आया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए DIG रेंज आनंद कुलकर्णी ने बताया, ये इसकी एक प्रोसीजर है, जब कोई अपराधी भागे किसी और देश में जाता है तो उस देश के साथ जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती है उसके अंतर कोर्ट के ऑर्डर से इसको एक प्रॉपर चैनल से भेजा जाता है और संबंधित कंट्री को उनके प्रत्यापन के लिए रिक्वेस्ट की जाती है और इसमें आगे की कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा बॉर्डर पे भी हम लोग LOC और रेड कॉर्नर नोटिस के माध्यम से भी इसको मॉनिटर करते हैं और ऐसे अपराधियों के बारे में जिनके बारे में समय से सूचना प्राप्त होती है उनको डिटेन करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। इस प्रकरण में नेपाल के अधिकारियों को किस तरह का सहयोग प्राप्त हो रहा है? नेपाल के ऑफिसर्स के साथ लगातार हम लोग संपर्क में रहते हैं और वो समय समय पे इस पे उचित सहयोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस को देते हैं। जनपद में आगामी महाशिवरात्रि के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद बनाने के उद्देश्य से समस्त थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि शिवालयों पर होने वाली व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को व्यापक पैमाने पर सुनिश्चित किया जाए। वहीं महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत महिला पुलिस फोर्स की तैनाती भी की जाए, साथ ही CCTV कैमरे के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर से बेहतर बनाई जाए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, देखिए आगामी त्यौहार महाशिवरात्रि को दृष्टिगत रखते हुए सभी थाना प्रभारियों को और राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जहां पर भी श्रद्धालुओं का आवागमन होता है विशेष रूप से शिवालयों पर उसकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में ड्यूटी चार्ट्स तैयार किया जाए। आज सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आज सभी शिवालयों को विजिट करके वहाँ की व्यवस्था और वहाँ पे जो मंदिर के यहाँ पुजारी हैं या वहाँ की व्यवस्था देखने वाले लोग हैं उनसे समन्वय स्थापित कर लें। विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए वहाँ पर महिला फोर्स को भी लगाया जाए। CCTV कैमरास जो शिवालयों में या आने वाले रास्तों में जो लगे हुए हैं उनको भी देख लिया जाए, एक सुरक्षित माहौल में ये पूरा कार्यक्रम सम्पन्न हो और सभी जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनको सुगमता का एहसास हो, इसी के लिए सारी तैयारियाँ की जा रही है।
लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत बिहार व नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए रखने को लेकर संबंधित जिलों के एसपी के साथ डीआईजी रेंज आनंद कुलकर्णी ने सुरक्षा के दृष्टिगत से कार्य योजना तैयार की है। संवेदनशील स्थानों और बूथों को चिन्हित भी किया गया है, जिसको सीसीटीवी कैमरे की जस से जोड़ा गया है। वहीं बैरिकेडिंग के माध्यम से 24 घंटे पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डीआईजी रेंज आनंद कुलकर्णी ने बताया, ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट है, जो बिहार के सीमा के जो भी डिस्ट्रिक्ट है और नेपाल के साथ हमारा महाराजगंज का जो बॉर्डर पड़ता है, यहाँ पे संबंधित एसपी के द्वारा एक विस्तार से कार्य योजना तैयार की गई है, सुरक्षा की कार्य योजना, और इससे पहले भी जो चुनाव हुए हैं उसमें ये कार्य योजना लागू हुई है। सभी ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं गए हैं जो संवेदनशील है, और जो एंट्री रूट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें अधिकतर स्थानों को सीसीटीवी कैमरा से कवर किया गया है। इसके अलावा जब इलेक्शन की आचार संहिता लागू होगी उसके बाद यहाँ पे चेक पोस्ट्स बनाए जाएंगे, बैरिकेड्स बनाए जाएंगे, और 24 आवर्स इन सभी बैरिकेड्स पे पुलिस की तैनाती रहेगी और इसको मॉनिटर किया जाएगा, चेकिंग की जाएगी, जो भी चीज़ें ऑब्जेक्शनेबल है, चाहे वो किसी भी तरह की तस्करी हो या कैश का मूवमेंट हो, इसको भी मॉनिटर किया जाएगा और लगातार राउंड द क्लॉक इन बॉर्डर्स पे चेकिंग होगी। इसके अलावा ऐसे तत्वों को भी आइडेंटिफाई किया गया है, असामाजिक तत्वों को भी आइडेंटिफाई करके उनको पाबंद और 110 जी में बाउंड डाउन किया गया है। कुछ लोगों को जिला बदर की भी कार्रवाई की गई है। तो इस तरह से इलेक्शन के दृष्टिकोण से पूरी तैयारियाँ सभी जनपदों में पूर्ण हो चुकी है। जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिणांचल में स्थित श्री श्री बाबा मुक्तेश्वर नाथ महादेव सिद्ध पीठ मंदिर अपनी पौराणिक मान्यताओं के लिए विख्यात है। शिवरात्रि, सावन सहित अन्य प्रमुख पर्वों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा मुक्तेश्वर नाथ महादेव सिद्ध पीठ पहुँच मंदिर पर अपनी मनवांछित मनोकामना की पूर्ति करते हैं। महाशिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर साफ सफाई, रंग रोगन व लाइटिंग आदि का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर के महंत रामानाथ ने बताया, मंदिर 400-500 साल पुराना है, राप्ती नदी के तट पर था। यहाँ पर सीधे राप्ती नदी बहती थी और उसी के किनारे पर एकदम है। यहाँ पर जो लोग आते हैं अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है। ये 500 साल पुराना, हाँ, चौथे नंबर पर हम हैं, चार पीढ़ी मेरी हो गई यहाँ पर इनकी सेवा करते हुए। तो अभी आने वाले, अभी तो सूचना हमको नहीं मिली है, लेकिन हो सकता है आ सकते हैं, आते हैं, हर साल आते हैं, लेकिन अभी सूचना नहीं है। कल शिवरात्रि उसको लेकर क्या तैयारी है? यहाँ पर सब सफाई दफाई, डेंटिंग पेंटिंग जितना कार्यक्रम था सब कुछ हो गया है। अब फूल की सजावट बाकी है, लाइट वेट का काम सब कुछ हो गया है। सुबह 2 बजे रात से ही जल चढ़ाना चालू हो जाएगा। कहाँ कहाँ से भक्त आते हैं? यहाँ बहुत दूर दूर तक के लाखों लोग श्रद्धालु आते हैं, साल में एक बार यही। कितने लोग आ पाते हैं, नहीं तो आने वाले डेली आते जाते रहते हैं। सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा यहाँ शासन प्रशासन सब चौकी है, यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर चौकी है, थाना है, राजघाट, और प्रशासन से पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रहती है। चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद में पोलिंग बूथों पर समुचित व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा लगातार बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के माध्यम से बूथों पर जाने वाली सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य सुविधाओं को भी देखा जा रहा है, जिससे पोलिंग पार्टियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया, देखिए चुनाव आयोग व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के क्रम में जितने भी पोलिंग सेंटर्स हैं सभी का विजिट किया जा रहा है, उनका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है,
वहाँ किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है, बाउंड्री वॉल टूटी है या नहीं टूटी है, लाइट बिजली पानी है नहीं है, पहुँचने का मार्ग सुगम है और कोई दिक्कत तो नहीं है जो लैंड ऑर्डर को प्रभावित कर सके, इसको दृष्टिगत रखते हुए चुनाव केंद्रों का भ्रमण किया जा रहा है। देवाधिदेव महादेव के महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शिव भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। महाशिवरात्रि से पहले ही पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करने वाले भक्तों द्वारा बड़े पैमाने पर गंगा जल की खरीदारी की जा रही है। ऐसे में डाक विभाग ने भक्तों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए गंगा जल की सप्लाई और इसकी आवक को बढ़ाने का कार्य किया है। वहीं जिले के बड़े शिव मंदिरों पर स्टॉल के माध्यम से डाक विभाग 250 ml के गंगा जल की बिक्री मात्र 30 रुपए में कर रहा है, जिसको स्टॉल के माध्यम से श्रद्धालु भक्त या आम लोग खरीद सकते हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रवर पोस्टमास्टर अजय कुमार पांडे ने बताया, महाशिवरात्रि के पर्व को देखते हुए और इधर जो है गंगा जल का डिमांड कुछ बढ़ गया है, तो फिलहाल हमारे पास 2-3 दिन से ज़्यादा बिक्री हो गया है। 5 तारीख में जैसे 48 बिक्री हुआ, 6 तारीख में 65 बिक्री हुआ और आज जो है लगभग 73 बिक्री हुआ है। बैलेंस है अभी हमारे पास 59 और बचे हैं जो यहाँ पे लोकल बिक्री के लिए रखा गया है। कूड़ा घाट में हमने कल सप्लाई किया था 48, ताकि झारखंडी महादेव में उसका कैंप लगा करके और मेले में मंदिर पे शिवरात्रि महापर्व पे जो श्रद्धालु लोग आए वो गंगा जल से भोलेनाथ का अपने श्रद्धाओं के अनुसार जल अर्पण करें। सर ये कितने कॉस्ट पड़ता है इसका? ये 250 ml का है और इसका 30 रुपये लागत है जो भारत सरकार द्वारा डाक विभाग द्वारा निर्धारित है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत। हाय मनमीत विद मीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। प्रदेश सरकार के निर्देश के क्रम में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर से और बेहतर बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ऐसे में दूर दराज से आने वाले मरीजों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए जिला महिला चिकित्सालय में टोकन डिस्प्ले लगाया गया है, जिससे मरीजों को उनके नंबर के बारे में स्पष्ट रूप से पता चल सके और उनका कीमती समय भी बर्बाद ना हो। वहीं प्रतीक्षालय को मरीजों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए वातानुकूलित भी कराया गया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महिला चिकित्सालय के SIC डॉक्टर जय कुमार ने बताया, सर हम लोगों ने खुद को अपनी जगह वहाँ पे रख के सोचा है कि यदि मैं होता, मैं सुविधा लेने आता तो मुझे कहाँ पे दिक्कत होती और उसको दूर करने का हम लोगों ने कार्य किया है। जैसे हम लोगों का जो वेटिंग रूम है उसको काफ़ी इम्प्रूव किया गया है, हम लोगों ने उसमें AC भी लगा दिया है, आने वाली गर्मी में वो लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके अलावे हम लोगों ने टोकन सिस्टम शुरू कर दिया है और साथ ही साथ टोकन का नंबर बुलाने के लिए मशीन भी लगा दी है, ताकि आप उस परिसर में कहीं भी आराम से बैठें
करीब 100-125 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और आप उस परिसर में आराम से बैठें, मशीन आपको बताएगी कि कौन सा टोकन नंबर अब आने वाला है। आप ये भी देख सकते हैं कि आपका टोकन नंबर कितने देर के बाद आएगा, मन करे बीच में आप चाय पानी भी पी सकते हैं, आपके पास समय रहेगा, आप एश्योर्ड भी रहेंगे कि आपका टोकन अभी आने में देरी है। उसके अलावा डॉक्टरों की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और एक उच्चीकरण का कार्य भी चल रहा है, जो पूर्ण होगा तो फिर मशीनों में काफ़ी कुछ नयापन और सेवाओं में काफ़ी कुछ नयापन देखने को मिलेगा। सर देखा जा रहा है BID मेडिकल कॉलेज पर ना वो होके लोग अब जो है महिला अस्पताल पे रेफर कर रहे हैं, तो उस क्योंकि कितने ऑपरेशन हो जाते हैं यहाँ पे? हम लोग करीब 400-450 ऑपरेशन एवरेज महीना भर में करते हैं और रेफर हम लोग केवल उसी को करते हैं जिसको कि हम लोग समझते हैं कि ये हमारे यहाँ पर नहीं हो पाएगा, प्राण रक्षा के लिए BRD में जाना ज़रूरी है। और ये भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि BRD में वो जाएंगे तो उनका होने की संभावना हो। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कुलरिया थाने की पुलिस ने कूटरचित दस्तावेजों द्वारा धोखाधड़ी व प्रतिरूपण द्वारा छलकर जमीन पैनामा कराने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान अमित कुमार राव उर्फ पिंटू राव के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्र अधिकारी कोतवाली गौरव त्रिपाठी ने बताया, गोरखपुर द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना गुलेरिया द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जो कि कूटरचित दस्तावेज द्वारा धोखाधड़ी करके जमीन का बैनामा कराने के एक मामले में वांछित चल रहा था। अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। श्री योग वेदांत सेवा समिति के तत्वावधान में 86 वर्षीय वयोवृद्ध संत आसाराम जी बापू के गंभीर स्वास्थ्य के चलते उन्हें अनुकूल और उत्तम उपचार उपलब्ध कराने व उनकी रिहाई को लेकर दर्जनों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे साधकों ने ज्ञापन सौंप कर अपनी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग की। ऊपर करिए ना, भैया का चेहरा छिप गया। अरे ठीक है, वो ठीक था। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए साधक राकेश सिंह पहलवान ने बताया, देश के महान संत शिरोमणि परम पूज्य आसाराम बापू जी को 11.5 वर्षों से निर्दोष संत, जो हमेशा देश में अध्यात्म की अलग जगाए, धर्मांतरण पर रोक लगाए, सेवा कार्यों दिन रात चलते रहे जिनके, इसका खामियाजा उस बेगुनाह संत को निर्दोष होकर जेल में बिताना पड़ रहा है। दुर्भाग्य है कि जो संत जिंदगी भर अंग्रेजी दवाओं का विरोध, ऑपरेशन का विरोध करते रहे, उन्हें विश्वास था और विश्वास है और इसके लिए लगातार उन्होंने हरनिश संघर्ष किया कि हम आयुर्वेद से सब कुछ ठीक हो सकता है, तो ऐसे संत को आज 87 साल की अवस्था में जेल में उनके हार्ट के 3 नस बुरी तरीके से ब्लॉक हो चुके हैं और उनको मनमाफिक आयुर्वेद इलाज नहीं मिल रहा है। आज तक उनको जमानत की कौन कहे, एक दिन का पेरोल तक नहीं मिला, जबकि वहीं कई तथा कथित संत राम रहीम जैसे लोगों को साल में 3-3 बार पेरोल दिया जा रहा है, उनको छूट दी जा रही है, वो फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, और वहीं हमारे संत आसाराम बापू जी को एक दिन का पेरोल तक नहीं मिला, न ही उनको समुचित इलाज मिल रहा है। इस नाते पूरे देश में ये उनके साधक व्यथित हैं। आज 5.5 करोड़ शिष्यों के गुरु निर्दोष जेल में बंद हैं। इस नाते आज हम लोग पहली बार जिलाधिकारी के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश महोदय को
और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को संबोधित ज्ञापन दिए हैं कि निर्दोष संत को तत्काल उनको जमानत दिया जाए या जल्दी से जल्दी उनकी निष्पक्ष जांच कराकर उनको रिहा किया जाए। जिला महिला चिकित्सालय में नवजात बच्चों को फेफड़े से संबंधित समस्याओं को उपचार को लेकर 2 सीकैप मशीनें लगाई गई हैं। बहुत जल्द ही इस मशीन से मिलने वाली सुविधा का लाभ नवजात बच्चों को दिया जाएगा। इन मशीनों के माध्यम से फेफड़ों की समस्या से ग्रसित नवजात बच्चों को काफी सहूलियत मिल सकेगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय के SIC डॉक्टर जय कुमार ने बताया, हमारे यहाँ अभी 2 सीपैप मशीन आई है और उसको लगाने की प्रक्रिया की जानी है। उसके बाद फिर उसके कुछ एक्सेसरी आते हैं वो आएंगे, उसके बाद वो कार्य करना शुरू कर देगी। क्या कार्य? ये बच्चों को जो है वो फेफड़ों को फुलाए रखने में मदद करती है और जो बच्चे को फेफड़ों के कोलैप्स होने की वजह से दिक्कत आती है उनके लिए यूज़फुल है। वैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ कि ये वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर अलग चीज़ होता है, ये अलग चीज़ है। ये केवल फेफड़ों को पुनः कोलैप्स करने से बचाती है ताकि वो फूले रहें और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता रहे। जल्द ही इसको हम लोग शुरू करने की सोच रहे हैं। आज 3 बाल रोग विशेषज्ञ उसका निरीक्षण करेंगे और कंपनी का आदमी आएगा, वो उसको इंस्टॉल करेगा। कहाँ? ये SNCU में लगेगा, वहीं इसकी उपयोगिता है। ये शासन के द्वारा हम लोगों को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दृष्टिगत गायत्री परिवार द्वारा प्रेमचंद पार्क में महिलाओं द्वारा देश में सुख समृद्धि व शांति के लिए हवन यज्ञ किया गया। वहीं जनपद में महिलाओं द्वारा बड़े पैमाने पर योग कक्षाओं का संचालन भी किया जा रहा है। योग कक्षाओं का संचालन करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। चश्मान प्रज्ञा पशुर्भि ब्रह्म वर्चसेन अन्यादेन समेद ब्रह्म वर्चसेन अन्यादेन समादे स्वाहा इदम मग्ने जात वेदेशे इदन मम ओम अयंत इदम आत्मा जात वेदेशे निधस बर्धस चेद बर्धे चश्मान प्रज्ञा पशुर स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा ओम सजुर देवेन सवित्रा सजुर सु सते द्रवत्या जोसान सूर्य वेति स्वाहा सायंकाल अग्नि ज्योतिर ज्योतिरग्नि स्वाहा मान पुष्वानि देव नानि विद्वान ये योध सज्जारा नेनो भीष्टं ते नम उपासित हैं। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए गायत्री परिवार की आराधना श्रीवास्तव ने बताया, महिला शक्तिकरण के लिए यही संदेश है कि महिलाएं जो घर में रह रही हैं, घर के एक दायरे में हैं, घर के बाहर निकल करके स्वयं एक योग के माध्यम से स्वयं को भी स्वस्थ रखें। साथ में जो हमारा ये समय इतनी सारी सुविधाएं हमें मिल रही हैं, उन सुविधाओं से सिर्फ हम बीमार हो रहे हैं। उन सुविधाओं से हमारे शरीर के हर अंगों पर कुछ ना कुछ परेशानियाँ हैं। योग के माध्यम से हम अपने शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास भी कर रहे हैं। साथ में महिलाओं का एक अपना एक समय 1 घंटा जो स्वयं पूरे परिवार को देखती हैं, ये 1 घंटा स्वयं के लिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में विशेष व्याख्यान समाज सेवी समाज में महिलाओं का महत्व का आयोजन किया गया। विशेष व्याख्यान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्राचार्य प्रोफेसर CO सैमुअल ने प्रार्थना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विशेष व्याख्यान में कॉलेज की छात्राओं ने महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के बिंदुओं पर विचार विमर्श किया और सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर महिला प्रकोष्ठ प्रभारी प्रोफेसर सीमा शिखर, सेवानिवृत्त प्रोफेसर नमिता रानी श्रीवास्तव, प्रभा सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। परीक्षा देगी तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है तू चल। रिस्पेक्टेड पीपल सर, काइंडली टेक अस इनटू द वर्ल्ड ऑफ द प्रेयर। सो फॉर दिस आई वुड लाइक
occasion of International Women's Day. Though it is on the 8th of March, but we are celebrating it. Throughout the week, we celebrate Women International Day. I am very thankful to our principal, sir, who has given us a permission that we should definitely go for such type of programs. And that is the reason that we are gathered here today. I would like to just focus upon the very objective of the Women's Health is that we, and in particular regarding gender discrimination, to develop the confidence of women again, and they should know about their existence as to how they are going to empower themselves in the spheres of life and enabling themselves to become agents of. दिन भर में बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जघन्य अपराध करने वाले 11 अपराधियों को जल्द ही नेपाल पुलिस के सहयोग से भारत में कराया जाएगा प्रत्यार्पण। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा महाशिवरात्रि के दृष्टिगत शिवालयों पर रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। डीआईजी रेंज ने दी जानकारी, कहा बिहार व नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों पर लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत रहेगी पैनी नजर। महाशिवरात्रि पर्व पर हजारों की संख्या में बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर पहुंच श्रद्धालु करेंगे महादेव की पूजा अर्चना। पुलिस अधीक्षक उत्तरी ने दी जानकारी, कहा पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर तैयारियां की जा रही मुकम्मल। डाक विभाग में बिकने वाले गंगाजल की बढ़ी डिमांड, खरीदे मात्र 30 रुपए में 250 ml की सीसी। जिला महिला चिकित्सालय के SIC ने दी जानकारी, कहा मरीजों की सहूलियत और सुविधा का रखा जा रहा विशेष ख्याल। गुलेरिया पुलिस ने कूटरचित दस्तावेजों द्वारा धोखाधड़ी व छल से जमीन बैनामा कराने के आरोप में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा आसाराम जी बापू की रिहाई की गई मांग, सौंपा गया पत्रक। जिला महिला चिकित्सालय में बहुत जल्द CCAP मशीन के माध्यम से फेफड़े की समस्या से ग्रसित नवजात बच्चों का होगा इलाज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दृष्टिगत गायत्री परिवार की महिलाओं ने सुख समृद्धि व शांति के लिए किया हवन यज्ञ। और सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर विशेष व्याख्यान का हुआ आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई प्रणाम।